नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थोद्धारक निर्यापक रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। श्री महासागर जी महाराज की जय। श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। मुनि संग की जय। पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना, तुम जो कुछ भी होना चाहते हो पहले उसकी कल्पना अपने मन में करो, सोचो विचार करो कि तुम वैसा क्यों होना चाहते हो, उसमें तुम्हें क्या सुख नजर आ रहा है, क्या तुम्हें अच्छाइयां नजर आ रही हैं, क्या लाभ तुम्हें दिख रहा है जो तुम वैसा बनना चाहते हो, तुम स्वयं सोचो। स्वयं नहीं सोच सको तो दूसरों से पूछो कि मुझे क्या बनना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए। जब व्यक्ति स्वयं सोच लेता है अंतरंग उमंग होना चाहिए। कई बार उन जो उमंगें होती हैं उनके लिए हमें दो तरीके से सोचना है। पहले तो अपने जम की जितनी भी इच्छाएं कर सको करो, जितनी भी कोई कल्पना की उड़ान में भर जाओ, सेक चिल्ली बन जाओ, जितनी तुम कर सको करो, इससे तुम्हारी क्षमता पता चलती है, तुम्हारी योग्यता पता चलती है, तुम्हारे विकासवाद के रास्ते खुलते हैं। सब कुछ जो कुछ भी तुम्हारे लिए मन में हो सके, मैं ये बनना चाहता हूँ, कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, साधु डाकू जो भी आपको बनना चाहे, जो भी आपके मन में आवे वो करो। एक मनोविज्ञान ने कहा एक बच्चे को सब कुछ अपने एक कमरे में सजा के रख दो, बच्चे से कह दो तुझे जो चीज चाहिए वो ले लो, वो अनेक चीजें समेटेगा क्योंकि वहां सब अच्छी चीजें रखी हैं, सब अच्छी चीजें रखी, बुरी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि जिसने भी वो खिलौना निर्माण किया है, जो वस्तु निर्माण की है, उसने बहुत अच्छी से अच्छी की है। शराब भी बनाता है व्यक्ति, अच्छे से अच्छी बनाने का प्रयास करता है, वो भी अपना ट्रेडमार्क का चाहता है कि मेरी शराब की ख्याति इतनी हो कि लोग नाम से शराब खरीदें। पापी भी चाहता है, पापी भी चाहता है कि मैं जो काम करूं वो नाम से बिके, डाकू भी चाहता है मेरे नाम से लोग कांपे, मेरे नाम से लोग डाका डाले, किसने डाका डाला, अरे उसने, ओ अब तो कोई नहीं बचा सकता। शेर भी चाहता है कि मेरा ऐसा खौफ हो कि साधु संत भी लिखें कि शेर के पंजे में आने के बाद फिर व्यक्ति उसको कोई शरण नहीं है। बारह भावना में आता ना, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा बहु मन में, यानी आचार्य खुद कह रहे कि सिंह ने एक बार पकड़ लिया अब तो मरना निश्चित है, क्योंकि वो उसकी पकड़ ही ऐसी होती है, उसका एक बार दांत जहां लग जाए कहीं भी वो फिर मरे बिना नहीं रहता। इसलिए तुम्हारी जो भी कल्पनाएं होती करना चाहिए, एक बार उड़ाओ अपने पतंग को, एक बार उड़ाओ अपने मन रूपी पतंग को, जितना उड़ा सको, पतंग उड़ाने की कोई सीमा नहीं होती,
बस इतनी ऊंची उड़ाना कि पतंग दिखती रहे, कहीं इतनी ऊंची नहीं उड़ जाए कि पतंग दिखना भी बंद हो जाए। पतंग दिखती रहे, उड़ाते जाओ उड़ाते जाओ उड़ाते जाओ। ये बहुत बड़ा प्रकृति ने, कुदरत ने एक गॉड गिफ्ट दी है अपन के सबके लिए, कल्पना की। बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट है कल्पना की, उड़ाने जो भरता है व्यक्ति, ये बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट है, इसको अभिशाप मत मानो। ये बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट है, इससे हमारी क्षमता, हमारी योग्यता, हमारी शक्तियाँ पता चलती है, हम कितने ऊंचे उड़ सकते हैं। बस उड़ना, बस कल्पनाएं करना, बस कल्पनाएं सोचना, आगे नहीं कह रहा हूं, नहीं तो आगे खतरा है। पहले अभी सोचने को कहा है, करने को नहीं कहा। उड़ान मन से भरने को कहा है, उड़ने को नहीं कहा, नहीं तो मन में उड़ान भरते भरते छत से कूद पड़ो। हाँ, उड़ाने को नहीं कहा, मैंने ये कहा तुम्हारी पतंग कितनी ऊंची जाना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि तुम पतंग उड़ाओ, मैंने ये कहा है तुम अपनी पतंग को कितना ऊंचा उड़ाना चाहते हो। पहले सोचो, उड़ाने के पहले सोचो, सोचो पहले और उड़ने दो कितनी ऊंची। कभी कभी तो मन करता है कि चंद्रमा पर पहुंचा दूं, कभी कभी तो मन करता है एक संदेशा उन तक भेज दूं जो हमारे पूर्वज मर के गए हैं, पतंग उनके ताग में। ऐसी बहुत कल्पनाएं की हैं कविताओं ने, कभी लोगों ने बहुत कल्पनाएं की है। पतंग नहीं है, मैं अपनी माँ को पिता को संदेशा भेजना चाहता हूँ, मैं पूर्वजों को संदेशा भेजना चाहता हूँ, मैं चंदा मामा से बात करना चाहता हूँ। ये सब कल्पनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन जैसे ये कल्पनाओं की तुम्हारी डायरी पूरी हो जाए, फिर तुम अब आना, अब क्रिया की बात है, अब सोचने की बात है कि तुम कितनी कल्पनाएं पूरी कर पाओगे, कुवत कितनी है, साधन कितने हैं, ट्रिक मार्क लगा लो। इसके बाद फिर अभी तक तुम्हारी ट्रिक मार्क, तुम कितनी क्षमता है, कल्पनाएं तो तुमने कर ली, तुम खुद अपने आप की योग्यता पहचानो, तुम अपनी शक्ति खुद पहचानो। जब ये टिक मार्क होने के बाद अब यहाँ से गुरु की जरूरत पड़ेगी। ये दो विशुद्धि तुम्हारी हैं, छव सम और विशुद्धि, ये सब तुम्हारे हाथ में थी, प्लानिंग तुम्हारे हाथ में थी, उड़ान तुम्हारे हाथ में थी, लेकिन अब जो टिक मार दूसरी मार थी, टिक मार विशुद्धि में टिक मार करता है मेरी क्षमता कितनी है। अब जो टिक मार किए हैं ये उड़ान है, तुम खुद सोचो विचार करो इस उड़ान से तुम्हें क्या लाभ है। घाटे का सौदा नहीं करना, लाभ क्या मिलेगा, थोड़ा सोचो, जितनी क्षमता है उतने सोचो कितना लाभ है। फिर नहीं सोचने में आ रहा हो, नहीं विचार कर पा रहे हो, तो फिर गुरु की खोज करो, गुरु से कहो गुरु महाराज हम इतने ऊंचे उड़ना चाहते हैं, क्या उड़ पाएंगे, और ये उड़ाने में भरना चाहता हूँ, ये कार्य करना चाहता हूँ, क्या ये करना ठीक है। साल भर की पढ़ाई तुम्हारी होगी, परीक्षा की कॉपी तुम्हारी होगी, लेकिन तुम जांचोगे नहीं, जांचोगे नहीं, पढ़ाई तुम्हारी है, परीक्षा में तुम्हें जो लिखना कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला। जिंदगी में एक तीन घंटे की परीक्षा का एग्जाम ऐसा आता है जिसमें ये निर्णय होता है, तुम कुछ भी लिखो, मास्टर भी मना नहीं कर सकता, साल भर टोक सकता है, कॉपी में क्या लिखा, कॉपी दिखाओ, कॉपी दिखाओ क्या लिखा, कॉपी टोक सकता है, पीट सकता है, निर्देशन दे सकता है, लेकिन तीन घंटे परीक्षा में कोई भी टीचर कुछ नहीं कह सकता तुम्हें क्या लिखना है, तुम मन के मालिक हो, बोलने से कोई टीचर नहीं बोले, तुम्हें गालियां लिखना है लिखो, पिक्चर स्टोरी लिखना, जो तुम्हें लिखना हो मर्जी पड़े तुम्हारी लिखो ना। उस समय क्लास टीचर भी नहीं कहते क्यों क्या लिख रहा है तू,
बोल नहीं सकता। आप टीचर के ऊपर कोर्ट केस कर सकते हो कि इसने मुझे लिखने से डिस्टर्ब किया है, 3 घंटे का समय वो हमारे हाथ का है, लेकिन काफी जांचना तुम्हारे हाथ में नहीं है। हमारी पूरी जिंदगी में हम सब कुछ करने के उड़ाने भरे, सब कुछ करें, जो लिखना है लिखें जिंदगी में, सब कुछ करें, लेकिन अपनी जिंदगी की जांचने की काफी गुरु के हाथ में, वो जांचेंगे, वो कहेंगे कि तुमने क्या सही लिखा क्या गलत लिखा। जितना सही हो जाए उतना ही करना, जितना सही हो जाए उतना ही करना, उससे आगे करने की मत सोचना। मिलेगा ही नहीं, सोचोगे नहीं, प्रमाण पत्र ही नहीं मिलेगा। जो मिला है तुम्हें वो है प्रमाण। जैसे कल कहा था, ज्ञान प्रमाण नहीं है, ज्ञान का फल प्रमाण। फल तो वो मिला तुम्हारे लिए, जो नंबर मार्कशीट में चढ़े हैं वो है तुम्हारा फल, उसको बोलते हैं प्रमाण पत्र। परीक्षा कापी को प्रमाण पत्र नहीं बोलते, जो तुमने लिखी थी वो प्रमाणिक नहीं है, वो प्रमाण नहीं, ज्ञान है उसमें, तुमने लिखा है ज्ञान लिखा है, लेकिन वो ज्ञान प्रमाण नहीं। तुमने साल भर पढ़ा है, ज्ञान है तुम्हारा। तुमने 3 घंटे लिखा है, बहुत सही जान के लिखा, पूरी ताकत लगाई, सोच सोच के लिखा, अच्छा लिखा, लेकिन तुम्हारा ज्ञान था। परीक्षा कापी ज्ञान है, पर उसको प्रमाण पत्र नहीं कहते। तुम परीक्षा कापी लेके घूमना, मेरे पास प्रमाण पत्र है, मैंने परीक्षा दी है, नहीं। प्रमाण पत्र बाद में जो गुरुजी देते हैं वो प्रमाण पत्र है, वो फल है, उसको प्रमाण पत्र बोलते हैं। ऐसे ही अपना ज्ञान जो है, ये ज्ञान तो परीक्षा की कापी है, जान रहा है, सबको जान रहा है, सब देख रहा है, सब कर रहा है, लेकिन प्रमाण पत्र तो वो है जब इसका फल सही निशाने पर आ जाए, सही रूप में आ जाए। हम अनंत बार ज्ञान तक तो गए, हमने परीक्षा तो दी, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं मिला। ज्ञान तो हमें बहुत है, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं है। ज्ञान तो बहुत है, हमारे शास्त्रों में अभवन द्वादशांग का ज्ञान कर लेता है, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं है। प्रमाण पत्र कितनी बड़ी बात, द्वादशांग का ज्ञान, भिन्न 10 पूर्वी का ज्ञान, 11 अंगों का ज्ञान, लेकिन प्रमाण पत्र में। उज्ज्वल कुंदकुन स्वामी ने प्रवचन सार के अंदर कहा, ये द्रव्य शुद्ध बनकर के तूने अनंतों बार द्रव्य शुद्ध पाया, 31 सागर की आयु पाई, लेकिन तू भाव शुद्ध केवली नहीं बन पाया, भाव शुद्ध केवली बना प्रमाण पत्र। इसलिए हमारी जिंदगी में थोड़ा सोचो विचार करना है कि हम जिस ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं, सोचो, फिर बाद में सोचो क्या मैं वहां पहुंच पाऊंगा। स्वयं नहीं सोच पाओ तो गुरु से पूछो क्या मैं पहुंच पाऊंगा। गुरु को बनाने में हमें 2 फायदा है। हमने एक दिन कहा था, बड़े इसलिए नहीं बनाए जाते हैं कि वो बड़े, आदर्श इसलिए नहीं बनाए जाते कि वो आदर्श, भगवान इसलिए नहीं बनाया जाता कि वो भगवान है, गुरु इसलिए नहीं बनाया जाता कि भगवान है, उनको इसलिए बनाया जाता है कि उन्होंने वो सब कुछ अनुभव कर लिया है जो हमें करने में जिंदगी लग जाएगी। सब कुछ कार्य अपने अनुभव से नहीं किए जाते। एक दिन मैंने बहुत बड़ी मार्मिक बात प्रवचन में कही थी, हर व्यक्ति ये चाह रहा कि मैं अनुभव करके काम करूंगा, नहीं, जिंदगी खराब हो जाए, कितने अनुभव करोगे? हर चीज अनुभव करने के बाद करोगे, पहले मैं अनुभव करूंगा, बीच में बहुत दुर्घटना है, जिंदगी छोटी सी है, कार्य बहुत करना है, जिंदगी थोड़ी सी है, कार्य बहुत करना है, और हर चीज का अनुभव करोगे, हर चीज का मैं खुद ज्ञान करूंगा, प्रैक्टिकल करूंगा, तब बाद में विश्वास करूंगा, क्या करोगे, कितने कर पाओगे? कितनी सी जिंदगी है, कितना तुम्हारा ज्ञान है, कितना अनुभव करोगे? और कई चीजों के अनुभव करके शायद बीच में ही नहीं मर जाओ। तुम कहोगे मैं हर वही खाऊंगा जो पहले चख के खाऊंगा,
क्या क्या चखोगे? बीच में पोटेशियम साइनेट आ गया तो लो सब कुछ अधूरा रह जाएगा। क्या क्या चल के दिखाओगे? रास्ते में कहीं रास्ते में दुर्घटना हो गई तो नहीं, पहले मैं रास्ता देख के आता हूँ फिर चुनूंगा कि मुझे ये रास्ता जाना है। बंधु नहीं, आज तक दुनिया का कोई व्यक्ति अपने स्वयं अनुभव से जिंदगी नहीं जी पाया। क्यों समय खराब कर रहे हो? क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? जिस रास्ते से गुजर चुके हैं उनके अनुभव को प्रमाण मान लो, जो कर चुके हैं उनसे पूछ लो। जो हमारे सीनियर हैं, एक बहुत अच्छी परंपरा है सीनियर की, कितनी पढ़ाई करके आओ, उनका कि अब तुम दो साल तक सीनियर के घर बैठो, क्यों तुम्हारा समय खराब कर रहे हो? तुम क्यों कर रहे हो कि रोटी खाऊंगा पहले देखता हूं मैं फिर प्रमाणिक मानूंगा? अरे जो खा चुके हैं उनसे पूछ लो। सारा संसार अनुभव पर नहीं चल रहा, स्वयं के अनुभव पर, विश्वास पर चल रहा है। सारी अनुभव जितनी भी कार्य देखो सब अनभ्यस्त विसात पड़ता, कोई भी कार्य नहीं मैं अनुभव करूंगा, क्या क्या करूंगा? हम खुद मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। हमारे तीर्थंकर तक दूसरों के विश्वास पर मुनि दीक्षा ले लेते हैं, दूसरे के विश्वास पर चल पड़े हैं। उन्होंने सिद्धालय देखा नहीं, सिद्ध स्वरूप देखा नहीं, शुद्ध स्वरूप जाना नहीं, रत्नत्रय भी उनके ज्ञान में आया नहीं, क्योंकि वो आत्मा की शुद्ध पर्याय है। कुछ नहीं आया और चल पड़े, किसके बल पर? मेरे से आगे कोई गया है। हमेशा रास्ता चलने के पहले देख लेना, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो क्या उसके पहले कोई गया है? तुम्हारा रास्ते पर चलना महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारा कार्य करना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि तो तुम करने जा रहे हो उसके पहले यह कार्य किसी ने किया है कि नहीं। एक व्यापारी जब व्यापार करता है तो उसके पहले इसका व्यापार किसी ने किया है क्या? इस दुकान पर पहले कोई बैठा है क्या? वो कैसा था? इस मकान में कोई रहा है पहले वाला, उसकी कैसी जिंदगी दी थी? इसी प्रकार अपनी जिंदगी में कोई भी काम करो, काम करने का तुम कितनी मेहनत कर लेना, कितनी परिश्रम कर लेना, तुम ठगे जाओ। तुम्हें सबसे पहले देखना है जो कार्य मैं करने जा रहा हूं, जो कुछ भी कार्य, पुण्य पाप में कुछ भी नहीं कह रहा, साधु डाकू तुम्हें जो कुछ तुम्हारी मर्जी पड़े तो करो। तुम्हें शराब पीना शराब पियो, दूध पीना दूध पियो, जुआ खेलना जुआ खेलो, पाप जो करना तुम्हारी मर्जी पड़े सो करो, क्योंकि तुम्हारे करने की कुछ उमंग है, तुम्हारे अंदर करने का तुम्हारा मन है कुछ करने का कि मैं कुछ करूं। करो, मुझे यही खुशी है कि तुम कुछ करना चाहते हो, निकम्मे तो नहीं हो, तुम कुछ बनना चाहते हो, निकम्मे तो नहीं हो, बड़ी डाकू बनो बनना तो चाह रहा है, निकम्बा तो नहीं है, मैं कुछ नहीं बनना चाहता हूं, नहीं। पहली खुशी यह है कि तुम कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, अच्छा लक्षण है। उड़ाने कल्पना की उड़ाने, मैंने पहले ही कहा ना शेख चिल्ली बनना बुरा नहीं है। यदि हम कल्पना की उड़ाने नहीं भरेंगे हमारी पतंग कभी नहीं उड़ेगी। हर बीच में पहले कल्पना होती है, पहले चिंतन होता है और होना चाहिए जो तुम्हें बनना है। बस मेरा दूसरा पॉइंट, पहली बात मैंने तुम्हें छूट दे दी ना, तुम जितनी कल्पनाएं कर सकते हो करो, जितनी ऊंची पतंग उड़ाना चाहते हो उड़ाओ, पतंग नहीं उड़ाना मन से उड़ो, मन से उड़ो जितना उड़ सको, ख्वाब सजाओ, तीन लोग कम पड़ जाए सिद्धालय से ऊपर पहुंचने का प्रयास करो मन से ख्वाबों में, ये बहुत अच्छा लक्षण है। लेकिन दूसरा लक्षण जो है ये तो तुम मान जाओगे, ये तो तुम करने लग जाओगे। अभी से तुम्हारे कौन व्यक्ति है जिसके मन में कोई ख्वाब नहीं हो? कोई भी कार्य करते हो आपके ख्वाब देखो, एक छोटी सी दुकान खोलते हो
ख्वाब देखो क्या होता है, मेरी दुकान होगी, मेरा व्यापार चलेगा, मेरा पैसा आएगा, मेरा धन आएगा, मेरा दौलत आएगा, और मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, ये सब आता है। बच्चे को भी आता है, पशुओं को भी आता है, सबको आता है। पर दूसरा पॉइंट में जरूर ये ख्वाब सजाने के बाद, ये ज्ञान तुम्हारे होने के बाद तुम काफी जरूर गुरु को सौंपना। तो गुरु का दूसरा वचन याद रखना, गुरु मना नहीं करते। चाणक्य ने कभी चंद्रगुप्त को किसी कार्य के लिए मना नहीं किया, कभी मना नहीं किया। वो जो करना चाहे करो, जो करना चाहे, इतने गंदे कार्य करता था, एक ही बात कहता था गुरु कि तुम जो कार्य करने जा रहे हो बस मेरा एक मंत्र ले लो, इसके पहले क्या ये कार्य किसी ने किया है, इस रास्ते पर पहले कोई चला है, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पता चला कोई नहीं चला है, उस रास्ते पे मत चलना। वो रास्ता तुम्हारे मन का होगा, जो मंजिलें होती हैं उनके रास्ते पहले से बने हुए होते हैं। जो मंजिलें होती हैं उनके रास्ते बने, तुम ही अकेले नहीं जा रहे हो, उसके पहले बहुत कुछ जा चुके हैं, चाहे पाप की हो चाहे पुण्य की हो। ऐसा कोई दुनिया में पाप नहीं है जो तुम नया करो, अनंत बार अनंत जीव कर चुके हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं है जो तुम नया करो, जे पूरब सिव गए जाए और आगे जाए, अनंत जा चुके, चारों तरफ जा चुके। कोई भी ऐसा दुनिया का काम नहीं है जिस पर कोई नहीं जा चुका। इसलिए ये तुम्हारे कल्पनाएं छोड़ दो कि मैं कुछ नया रास्ता बनाऊंगा। जिंदगी होगा मेरा नया, सब कुछ नया होगा। कई लोग करते हैं ऐसे, मैं परिवार से अलग होना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी नई होगी, मेरे कुछ सब कुछ नया होगा, मेरा सोच नया होगा, कोई बाधक नहीं होगा। ये तुम्हारी मूर्खता है। ऐसे ही तुम्हारा दोस्त ने किया था, कैसे रहेंगे, ये परिवार तो बहुत बड़ा है, क्या इन सबको रोटियां बनाते इनकी सेवा करते करते, तो सब हमसे बड़े लोग हैं, हमसे बड़े लोग हैं, बहुत बड़े, इनकी सेवा करते करते क्या जिंदगी करूंगा, इनके क्या, इनके पैर छूते छूते कमर झुकाऊंगा। लड़का कहता नहीं, शादी के बाद हम अलग हो जाएंगे, अपना बंगला होगा, अपनी जिंदगी होगी, अपने ख्वाब होंगे, अपना रात होगी, अपना दिन होगा, अपना सब कुछ अपना होगा, कुछ नया होगा, नई जिंदगी शुरू करेंगे। उस मूर्ख को पता नहीं है, थोड़ा दोस्त से पूछ लेना जो तुमसे सीनियर है, उसने भी ऐसे ही किया था, उसने भी ऐसे ही किया था, ऐसे ही किया था। तुम कुछ नया करोगे ही नहीं, सब पुराना है, सब पुराना है। एक निर्णय करो, पूजवर पूछपाछ स्वामी ने पंच परावर्तन बन करके ऐसी आंखें खोल दी कि हमारी औकात दिखा दी। देखो मैंने कुछ नया किया है, मैंने कुछ नया सोच रहा हूँ। मैंने सोचा ये पंच परावर्तन दिखा के क्या करना था, मैं क्यों दिखाए, क्यों दिखाए ये पंच परावर्तन पूछपाछ स्वामी ने। सबसे पहले पंच परावर्तन का विस्तार पूछपाछ, क्यों, क्या लेना देना था इन पंच पर। उन्होंने हमारी औकात दिखाई है, तो हर दिन फूल कर कुप्पा हो रहा है कि मैंने कुछ नया किया। कुछ नया नहीं, सब पुराना है। मात कंपनी बदल गई, पहले बासी रोटी थी, अब डबल रोटी आ गई। थोड़ा सा उसमें बैगार लग गया, झमका लग गया, थोड़ा सा हेरा फेरी, कुछ नया नहीं, सब पुराना। और ये धारणा बना लीजिए पहले, क्यों, और ये धारणा बनते ही तुम कहोगे पर कौन चला है मेरे पहले इस रास्ते पर, उससे मिलने का प्रयास करिए। शुरुआत गुरु ने कुछ नहीं किया, महात तुम्हें एक मंत्र दिया, इतना सा मंत्र दिया, जाओ पहले वाला पहचान लो कौन है, कौन गया, बस
उससे एक बार तुम मिल लो, फिर तुम वही करना जो तुम करना चाहते हो। उससे मिल लो एक बार, डाकू बनना चाहते जी, इसके पहले कोई डाकू बना है? पर उससे मिल लीजिए, उसकी स्टोरी याद कीजिए। पापी लोगों की चर्चाएं शास्त्रों में क्यों, कल भी मैंने कहा था, पापी लोगों की चर्चाएं शास्त्रों में भरी पड़ी, पापों की चर्चाएं शास्त्रों में भरी पड़ी। वो जिनवाणु को मैं नमस्कार करता हूं जिसमें सप्त विष्णु की कहानी बड़ी, पापियों की कहानी बड़ी, पंच पद्मनंदी पंचवंशति की बताई थी मैंने। अरे भाई, इस किताब को नमस्कार करूंगा मैं, और इसमें तो पाप की बातें लिखी, पापियों की कथाएं लिखी। पापियों में कौन सी धर्म हो रहा है? पापियों की कथा पढ़ने से कौन सा धर्म होगा? पाप की कथा पढ़ने से कौन सा धर्म होगा? पुण्य की कथा तो समझ में आती है, धर्मात्माओं की कथा तो समझ में आती है, रावण की कथा करने से हमें कौन सा धर्म होगा? इन पापियों की कथाएं पढ़ना, जिन्होंने जिंदगी पाप करके नरकों में पड़े हैं, उनकी कथा पढ़ो साहब, और जिस शास्त्र में लिखी है उनको नमस्कार करो। अरे क्या तमाशा है? अरे भाई, 63 शलाका का पुरुषों की कथाएं ठीक है, महापुरुष है, भगवान की कथा ठीक जमती है, लेकिन सारे शास्त्र में उठा लो सब पापियों की कथा। मोक्ष की चर्चा हो उसको नमस्कार करना जानती है, नरकों की चर्चा भरी पड़ी है, नरकों की चर्चा भरी, नरक कहता। अरे भाई, मोक्ष की, मैं तो जिनवाणी को नमस्कार करूंगा जिसमें मोक्ष की चर्चा हो, भगवान की चर्चा हो, ये तो नरकों की चर्चा है। उज्जवर वसु नंदी महाराज मूलाचार्य की टीका में ये प्रश्न उठाया एक शिष्य के द्वारा, मैं क्यों इसको शास्त्र मानूं जिनमें पापों की चर्चाएं भरी है, नारकियों की, पापियों की चर्चाएं भरी है। कितना गजब का उदाहरण दिया उन्होंने। उनका नहीं, वो भी उपदेश है, वो भी जिनवाणी है, उससे भी तुम्हें मिलना है, उससे भी तुम्हें मिलना है, भगवान से नहीं मिलना, गुरु से नहीं मिलना, तुम्हें पापी से मिलना है, क्योंकि तुम्हें पाप करना है। शराबी को शराबी से मिलना है, जुआड़ी को जुआड़ी से मिलना है, रागी को रागी से मिलना है, देसी से देसी को मिलना है, जो जो करना चाहता है उससे मिलना है। बॉस बनाओ, बॉस बनाओ, आदर्श बनाओ पहले, ये जैन दर्शन का आदेश है। पहला आदेश ये नहीं कि तुम्हें क्या करना है, पहला आदेश है तुम जो करना चाहते हो उसके पहले जिसने किया है उसका परिचय करो, उससे जाके मिलो, खोजो उसको, वो कहाँ गया, मुझे डाकू बनना है, खोजो। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही कह दिया आज के प्रश्न में, कोई पाबंदी नहीं है, मन तुम्हारा है। मुझे तो खुशी है कि उसने कुछ बनने का भाव तो किया, जो लिखना है लिखो, तुम्हारे लिए काफी है, 3 घंटे की परीक्षा है, कम से कम मुझे खुशी है तुमने लिखने का भाव तो किया, डाकू बनने का तो किया। लेकिन बस दूसरा आदेश दिया गया, डाकू खोजो वो जो पहले तुमसे पहले गया था, खोजो खोजो, दौड़ो जाओ, ढूंढते 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 मिला वो जेल में। आपका बॉस जेल में मिला, जो आप करना चाहते वो जेल में मिला। बॉस से थोड़ा सा राम राम कर लो, बॉस से थोड़ी 2 बातें कर लो, बॉस से थोड़ा हुनर ले लो, बॉस से थोड़ी शिक्षा ले लो, शिक्षा ले लो उससे, बॉस से कुछ शिक्षा लो, कुछ बोलो उससे, बात करो, क्योंकि तुम वहां जा रहे हो जहां से वो निकल चुका है। नहीं, मैं भी जाके देखूंगा, मैं किसी को बॉस नहीं बनाता, क्यों जिंदगी खराब कर रहा है। बोलो महानुभाव, 2 व्यक्ति हैं, एक नीति कहती है तुम डाकू बनना चाहते हो, पहले जो डाकू बना है उससे अनुभव ले लो, और एक व्यक्ति कहता नहीं, मैं डाकू बन के देखूंगा बाद में, पहले निर्णय को महाराज डाका डालना, डाकू बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, पहले मैं एक बार डाकू बनूंगा, यदि उसमें सुख नजर नहीं आया तो छोड़ दूंगा। दो में से ज्ञानी कौन है?
जो पूर्व डाकू से अनुभव लेकर के और निर्णय कर रहा है और एक व्यक्ति डाकू बन के अनुभव कर रहा है। पूज्याचार्य महाराज के संबंध में एक संभवतः ईसरी की घटना है। कलकत्ता के कुछ लोग बैठे थे, शायद मुझे ध्यान है उलास मल जी कोई करके थे, हाँ वो आचार्य सी ग्रस्तों के सुना रहे थे। ग्रस्त की कभी निर्विकल्पता नहीं आ सकती, भले वो कितना भी ध्यान कर ले, क्योंकि वो उसका त्याग नहीं है। समय करेगा उसे घर की चाबी जेब में रखी रहेगी। सारी चीजों की करते करते उलाज मुझे, महाराज जी ये बताओ आपको कैसे मालूम कि गृहस्थी में सुख नहीं है, पंचेंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपने सारे अनुभव कर लिए हो। आप हमारी गृहस्थों की ऐसी परतें खोल रहे हो जैसे आप सब अनुभव करके आए, सब कुछ अनुभव करके आए। महाराज जी मुझे आपकी इन बातों पर संदेह हो रहा है। हो जाता है कई बार साधुओं इतनी ऊंची बात कह देते हैं, शराब का कई बार पद्मनंदी विंसतिकार शराब का ऐसा वर्णन करते हैं कि नियम से संदेह हो जाएगा कि इन्होंने पी जरूर होगी। स्वाद बता रहे वो भी मधुरम मधुरम, कुत्ते के मूत्र के समान स्वाद बता दिया। गजब, एक बार किसी को दूसरे को दे दिया जाए तो कहे महाराज जी हो ही नहीं सकता, इन्होंने जरूर पिए। सातों विष्णुओं का ऐसा प्रैक्टिकल चित्रण, ऐसा प्रैक्टिकल चित्रण किया श्लोकों में पूज्यवर मधुनंदी महाराज ने और शास्त्रों में भी आया, ऐसा चित्रण व्यसनी भी नहीं कर पाएगा। शराबी भी शराब का चित्रण, मासी मासे का चित्रण, विचारी विचार का चित्रण, पापी कितने बड़े पाप करने वाले हों ऐसा वर्णन पापी भी नहीं कर पाएंगे जो आचार्य महाराज ने किया। आपने कवियों को देखा, कभी लोग जो कविता में रस डालते हैं वैसा रस है नहीं। कई चीजों पे आप देखना जो कविता का, अब नदी के पास बैठा है कभी क्या नदी का वर्णन मिलता है, कल 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 जाके नदी के पास बैठ के देख लो, 10 मिनट में बोर हो जाओगे। और वर्णन देखो कभी कर देखो, कभी के लोग जो जो वर्णन करते हैं वैसा प्रैक्टिकल में नहीं पाया जाता, लेकिन उनके वर्णन से ऐसा लगता है जैसे इन्होंने ये सब किया है। हमारे जिनसेन स्वामी पर आरोप आया दक्षिण भारत, उन्होंने संसार का श्रृंगार का मरुदेवी के नख उससे वर्णन इतने लालित्य ढंग से किया, इतना श्रृंगार रस रूप में किया कि लोगों ने चर्चा उठा दी, बोले ऐसी चर्चा बिना अनुभव को हो ही नहीं सकती। ऐसी उनकी कहानियां सारी, हर कहानी हर बाप गृहस्थी के स्त्री पुरुष के भोगों की चर्चाएं, उनके आपसी संबंधों की चर्चाएं, उसमें पर्सनल संबंधों की चर्चाएं, ये चर्चाएं कौन लिख सकता है? 11 साल में मुनि दीक्षा ली, बाल ब्रह्मचारी, राजा ने भर दी, राजा को भर दिया, बोले साहब जिनसेन स्वामी बाल ब्रह्मचारी नहीं है। बोले क्यों? सबूत दे दिया। राजा ने भी पढ़ा, राजा ने कहा बात तो सही है। इतना बारीकी से वर्णन करने वाला अनुभवशील होगा, अनुभवशील होगा, नियम से होगा। आगे कथा से कोई प्रसंग नहीं है, लेकिन फिर भी राज दरबार में जिनसेन को बुलाया गया और बोला गया क्या ये वर्णन तुमने कहाँ से लिखा, ये वर्णन बिना अनुभव के कैसे तुम्हें आया, कैसे तुम्हें ज्ञान हुआ इसका? तब कहा कि हमारी परंपरा से हमें पुराने शास्त्र पढ़कर आगम पढ़कर हंडी का एक चावल देख लिया
उससे विश्वास नहीं हुआ। राजा ने कहा हो ही नहीं सकता, पढ़ के भी इतना नहीं लिख सकता, अनुभव किया है तुमने, तुमने जरूर ये सारे काम किए हैं, जिस चीज का वर्णन देखो उसी का वर्णन तुम ऐसे रस लेके कर रहे हो। अंत में जाकर के जिनसेन स्वामी को कहा गया तुम अपना पुराण खुद बांच के सुनाओ, यदि तुम्हारी इंद्रियों में विकार नहीं आया, विकार नहीं आया तो समझ जाऊंगा कि तुमने बहुत कुछ सही है। जिनसेन स्वामी ने कहते जिनसेन रटी हुई बात नहीं कहता, ये तो पुराण था, मैंने बहुत कम लिखा है, अब सुनो। और जो उन्होंने श्रृंगार वर्णन किया मरुदेवी का, जो चित्रण किया दाम्पत्य जीवन का, सारी सभा विकारी हो गई, पुरुष पुरुष से आलिंगन बद्ध हो गए, सारी सभा रागमय हो गई, और जिनसेन स्वामी का वीतरागी सूर्य यथावत खड़े रहे। कोई जरूरी नहीं है, वो मूर्ख कहलाता है जो जिंदगी में हर चीज अनुभव करके स्वीकार कहलाता है, वो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो सकते। आचार्य के सामने जो प्रश्न आया, आपको कैसे अनुभव के गृहस्थी में आनंद नहीं है, हम लोग भी बड़े इस प्रश्न के सुनने में उतावले थे, अपनी तो हिम्मत है नहीं कि आचार्य से ऐसा पूछ ले। हम लोगों ने अब हम लोगों ने प्रश्न करने वाले को बहुत अच्छी दृष्टि से देखा, वाह बहुत बढ़िया किया, अब आएगा मजा, मतलब हम लोगों को प्रश्न करने वाला इतना अच्छा लगा था, बड़ों की कोई उतारने वाला मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, जो छोटे बहुत लोग होते ना तो बड़े की कभी उतार नहीं पाते, चिड़चिड़ाते हैं, जब देखो जब मेरी उतारते, जब देखो जब मेरी उतारते, अब मैं तो इनकी उतार नहीं सकता, और कोई उतारे अब आया मजा, अब आया अब देखो क्या होता है। तो आचार्य ने क्या एक सब ने कहा, बोले आप लोगों को देख करके, आप लोगों को देख करके कुछ तो कवि हैं तुम्हारे संसार के सुख में, कुछ तो दुख है, तभी तो तुम मेरे पास आए हो, मैं तुम्हारे पास नहीं गया, तुम यहां क्यों आए हो, मैं तो पकड़ हूं, यदि धन में दुख होता तो चक्रवर्ती मुनिराज के पास क्यों जाता, यदि धन में सुख होता या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे घोष विसाधन करते संयम सो अनुरागे। 5-7 मिनट का प्रवचन महाराज का बहुत मजेदार था, आज भी वो झूलता है, 5 मिनट के अंदर उनको सरेंडर कर दिया, बोले देखो तीर्थंकरों को देखो उनके कौन से सुख की कमी थी, चक्रवर्ती के देखो कौन सी कमी थी, यदि संसार में सुख होता तो बोलो चक्रवर्ती ने दीक्षा क्यों ली, संसार में सुख होता तो तीर्थंकर इस सारा संसार छोड़ करके क्यों वनवास में जाते, महलों में सुख होता तो कैलाश पर्वत की ठंड में ठिठुरने की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी ठंड में ठिठुरने की, घर में बैठे थे आराम से, चक्रवर्ती को कौन घर से निकाल रहा था, हजारों साल पहले निकल गए, बाल कटिंग करने में सुख है तो केश लॉन्च क्यों करते हैं ये महान लोग, क्योंकि ये इन्होंने केश लॉन्च, कटिंग में सुख है, कपड़ों में सुख है तो इन्हें कपड़े क्यों फेंके, परिवार में सुख है तो परिवार को क्यों छोड़ा, खाना में सुख है तो ये खाना क्यों छोड़ा, सब चीजों में यदि सुख है तो मेरे इन पूर्वजों ने क्यों सुखा, मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं तो कुछ जानता, मैं तो इनको देखता हूं कि इन्होंने छोड़ा है, अब हमें अनुभव करने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहा ये तो हो गया, दूसरे के कहे देखा देखी करना है, तो आचार्य ने कहा अच्छा ये देखा सीखी गलत है, बोले हाँ। तो आचार्य ने कहा एक और उदाहरण देता हूं समझ में आ जाएगी, एक गड्ढा था, एक व्यक्ति जाकर गड्ढे में गिर गया, हाथ पैर टूट गए,
वो चिल्ला रहा है और वहीं से अपन को पीछे से जाना है। अब उसको गड्ढे में गिरता देख करके रास्ता बदल देना चाहिए या पहले स्वयं गिर करके देख करके बदलना चाहिए? वो घर के देखा, वो निकल रहा है और कहते साहब हाथ पैर टूट गए, बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत नुकसान, बहुत दुख हो गया, तकलीफ हो गई। अब अपन उसकी बात को मान लेना चाहिए और या फिर एक बार गिरना चाहिए? समझदारी किसमें है? अच्छा व्यक्ति कौन है? बस हम तुम लोगों के गड्ढे में गिरा देख करके हमने रास्ता बदल दिया, वो मूर्ख है जो पहले गिर के देखता है। मैंने एक बार संस्मरण सुनाया था ना सांगा रेत, एक व्यक्ति मैंने गुटके ऊपर प्रवचन दिया, बहुत जोर से प्रवचन दिया और जो जिसका दीवाना होता है उसकी बुराई नहीं सुनता, बहुत ज़्यादा मैंने निकृष्ट कर दिया गुटके की, बहुत बुराई की। वो प्रवचन के बाद आया, बोले महाराज जी आपने कभी गुटखा खाया क्या? मैंने कहा नहीं खाया। आपने कभी शराब पी? मैंने कहा नहीं पी। तो महाराज जी आप, महाराज मेरी आपसे विनती है, जिस संबंध में आप नहीं जानते उस संबंध में क्यों आप इतना बोलते हो? मैं आपके धर्म के संबंध में नहीं जानता तो मैं तो कुछ नहीं बोलता, मैं धर्म के संबंध में कुछ नहीं जानता तो मैं कभी नहीं बोलता क्योंकि मुझे अनुभव नहीं है। आप क्यों बोलते हैं जब आपको अनुभव नहीं है? कौन कहता है मैं 5-10 साल से खा रहा हूं, शराब पी रहा हूं, कुछ नहीं हुआ? कौन कह रहा कैंसर होता है? कौन कह रहा कैंसर होता है? मैं खा रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। आप भी एक बार खा के देख लो बाबा जी, छोड़ोगे नहीं, इतना मजा आता है इसमें। मन की अच्छा ये बात है, मन की ये मत समझो कि आज तक कुछ नहीं हुआ तो अब कुछ नहीं होगा। बोले महाराज आज तक कुछ नहीं हुआ आप क्या होगा, वर्षों से खा देगा। मैंने कहा ये मत कहो। मैंने उनको दो उदाहरण दिए। पहला उदाहरण दिया, मैंने कहा 100 साल के बुढ़े से मैंने कहा कि भाई अब मरने के दिन आ गए हैं, कुछ धर्म ध्यान कर लो। तो वो हंस के कहता है वाह महाराज आप भी क्या बात करते, 100 साल में आज तक नहीं मरा, आप क्या मरूंगा? 100 साल में आज तक नहीं मरा, अब क्या मरूंगा? बोलो ये उसका जवाब कैसा है? अरे 100 साल में आज तक नहीं मरा, अब मरने वाला है। कई और ड्राइवर वाले जो बच्चों को मैं कभी कहता हूं भाई तू इतनी तेज गाड़ी, अरे महाराज मैं तो हमेशा 10 साल से चला रहा हूं, आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ, अब क्या होगा? मैंने कहा अब होने वाला है। ये अहंकार मत करना कि 10 साल से हम गाड़ी चला रहे एक्सीडेंट नहीं हुआ तो अब नहीं होंगे, 100 साल में नहीं मरा तो अब नहीं मरूंगा। ये प्रश्न में आधा तो वो वैसे ही शांत हो गया। मैंने कहा एक और प्रश्न में जवाब देने जाऊंगा क्योंकि मैंने तो गलती की कि मैं जिसको नहीं जानता हूं उसको छोड़ दिया और छोड़ने की बात कर दी। बोले महाराज आपने छोड़ के गलती की, पहले आपको अनुभव करना चाहिए था, फिर आपको सूट नहीं करता तो छोड़ देते। कि अच्छा ये बात है। मैंने एक प्रश्न का जवाब दे दो, भाई साहब आपने कभी, मैं ऊपर छत पे बैठा था गर्मी के समय थे, मैंने कभी आपने सेल्फास खाया? बोले नहीं खाया। मैंने कि एक बार खा के देख लो, मैं मंगवाऊ? मेरा मन कर रहा है कि एक बार सेल्फास तुम खाओ। मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो तुम्हारी देख करके छोड़ दूंगा, तुम तो अनुभवशील हो, एक बार सेल्फास खा के देखो और खाने के बाद मर जाओ तो फिर मत खाना और नहीं मरो तो रोशो खाना। अब मूर्खों लोग क्या जवाब दे? मैंने कहा नहीं। मैंने क्यों नहीं? बोलो महाराज जिन जिन ने खाया अभी मर गए, तो मैंने कहा उनको देख करके तुमने छोड़ दिया ना, ऐसे ही हम लोगों ने गुटखा खाने वालों के हाल देखे हैं, शराबियों के हाल देखे हैं, संसारियों के हाल देखे हैं, चक्रवर्ती बनने के बाद भी शांति नहीं है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वर्त धन वान। हर व्यक्ति को दुखी देखा, चक्रवर्तियों के चरित्र पढ़ करके देखा, देखा उन्होंने जो चक्रवर्ती पद पर रहे नरकों में पड़े, उनको देख करके भागा है हम लोग। हमें अच्छी तरह ध्यान है
बोले महाराज जी जिंदगी में आज तक मुझे कोई नहीं समझा पाया, आपके इस उदाहरण ने समझा दिया कि गड्ढे में गिर करके फिर बचना और दूसरे को गिरता देखकर बच जाना समझदार है। बोले आचार्य श्री अब मैं समझ गया कि आप बहुत समझदार हैं। पर वो हर साल आया करते थे, चले गए होंगे, वृद्ध थे, ज्यादा उम्र थी नहीं। तो कहने का बात ये है कि अनुभव से बहुत चीजें पूर्वजों से लो, तुम अनुभव कर करके जिंदगी व्यतीत कर दोगे, जिंदगी नहीं चलेगी, कुछ दूसरों के अनुभव से जिंदगी चलती है। शराबी व्यक्ति से मेरा कहना है जो पूर्व शराब पीते थे उनको थोड़ा खोजो, पूछो वो कहाँ मिलेंगे। जैसे डाकू को खोजो, कहाँ मिला, जेल में, उसके साथ वार्तालाप हो, साहब कैसे गुजर रही है जिंदगी, वो सुनाएगा अपनी दर्दनाक कहानी, तड़प रहा, ये रोटी मिल रही, ये भोजन मिल रहा, परिवार का मुंह भी नहीं देख पा रहा, सब वो सुनाएगा। समझदार हो गए तो ऐसी जिंदगी बीतेगी, चोरी करने के बाद करके देख लो, समझदार हो तो उसको जय जयनंद करके आ जाओगे, आज से मैं चोरी का त्याग। मैं मना करता, बालक होते हैं, जैसे मैं कई बार सुनाता हूँ, बालक होते हैं कई जो माँ के कहने से दीपक को नहीं छोड़ते, एक बार चटका लग जाने दो, फिर कहते हु तत्ता है, पहले माँ ने कहा था हु तत्ता है, तो कहते ये तो बोलती रहती है। तो ऐसी स्थिति में अनुभव से कोई अनुभवशील व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आया क्या, जिसने वो कार्य कर लिया हो जो तुम करना चाहते हो। चलो ये संसार की बातें इसलिए पापियों की वो पापों की बातें हैं कि तुम कभी पाप करने का मन तुम्हारा करेगा करेगा तो किसी पापी की कथा जरूर पढ़ लेना, इसलिए पढ़ाई मैंने। वसुनंदी महाराज कहते हैं ये मन पाप की तरफ जाएगा, दूसरे पापियों को देखकर मन होगा, इसलिए मैंने कथा लिख दी कि तू पाप करने जाएगा उसके पहले एक पापी की कथा सुना दो। पाप करने के पहले ही तुझे जेल भिजवा दिया, क्यों, जैसे वो हमने नागपुर में कानपुर में कहा ना, आजकल धर्मात्माओं की कथाओं से कोई धर्मात्मा नहीं बनता, धर्म के फल भोगने वालों से कोई धर्मात्मा नहीं बनता। अच्छे लोग आज उनको पापियों की कथा सुनाओ। मैंने कहा था ना मैं भगवान की चर्चाएं करके रात्रि भोजन त्याग करने वाले भगवान बन गए, व्यसन त्याग करने वाले महाराज बन गए, किसी के कान पर जुआ नहीं रखा। लेकिन जैसे ही कहा रात्रि भोजन करने वाले सूकर बन गए, लोग हिल गए, हजारों लोगों ने रात्रि भोजन किया, त्याग किया, सूकर दर्शन से, प्रभु दर्शन से नहीं, गुरु दर्शन से नहीं, सूकर दर्शन से, क्योंकि वो तुम्हारा बॉस है। मैं रात्रि भोजन करने वालों से कुछ नहीं कहता, वो तो मेरे कहने से तो छोड़ेंगे नहीं, मुझे आहार देना ही छोड़ देंगे। कई लोग कहते महाराज आहार मत लेना, कई लोग चौके भी नहीं, महाराज आप रात्रि भोजन त्याग कराओगे, मैं रात्रि भोजन नहीं छोड़ता हूँ, आपको छोड़ता हूँ, छोड़ देते, चौके से निकल जाते कई बार, तो वो तो मैं छोड़ा नहीं पाऊंगा। बस उनसे कहना चाहता हूँ जो रात्रि भोजन करते हैं, इसके पहले रात्रि भोजन किसने किया वो मैं बता देता हूँ, अभक्ष सेवन किसने किया वो मैं बता देता हूँ, मांस मदरा आदि अभक्ष सेवन किसने किया मैं बता देता हूँ। बस एक बार शुकर दर्शन कर लो, इसने भी ऐसे ही रातों में खाया था, इसने भी अभक्ष सेवन किया था, जो आया जब आया जी चाहा मन में खाया, कोई दिक्कत नहीं उसका, उसको एक बार वो उसको खोजो वो कहाँ गया, शुक्र बस उसका एक बार दर्शन कर लो, हो सके तो दो चार घंटे उसके साथ, बॉस है, बॉस के साथ तो जितना समय बिताओ उतना कम है। उन अभक्ष खाने वालों से कहना है कि जितना समय बॉस, वो बॉस है, दो तीन घंटे उसके साथ रहना, यदि उसकी जिंदगी तुम्हें पसंद आ जाए तो तुम जरूर वही करना जो तुम करना चाहते, और नहीं पसंद आए तो वापस आ जाना। समझदार कौन है,
सूकर को देख करके अभक्ष का त्याग कर दिया और एक ने कहा कि मैं खाकर देखता हूँ, सूकर बन के देखता हूँ, उसके बाद छोड़ दूंगा। समझदार कौन है जो दूसरे बोले? इसलिए पापियों की कहानियां लिखी कि पापियों की दशा देखो, इसलिए पाप का वर्णन किया, ये भी एक जिनवाणी है। अब मोक्ष मार्ग पर तुम्हें चलना है तो मोक्ष मार्ग तो पूरा का पूरा अनभ्यस्त है। यहां तो पहले ही कह दिया तुम जो धर्म करना चाहते हो, इसके पहले धर्म किसने किया? जो जो तुम धर्म कर रहे हो, इसलिए कहा जाता है जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन सुने। तुम धर्म करने चल पड़े हो, क्या तुम्हें उसका नाम मालूम है जिसने ये कल धर्म किया था? हर व्रत के पीछे कथा क्यों जोड़ी? व्रत कथा को उसको पढ़ो, यानी कि कथा का मतलब क्या? सीधा व्रत लिखो ना, सीधा व्रत लिख दीजिए ना, रवि व्रत करिए, सुगंध दशमी करिए, रोहिणी व्रत करिए, चौदह, सब अकेले व्रत लिख दो, कानून बन गया सीधा बात। हर व्रत के साथ कथा, हर व्रत के साथ कथा, क्यों? व्रत ही काफी था ना, ये कथा क्यों? नहीं, जिस व्रत को तुम करना चाहते हो उसके पहले व्रत किसने किया? निराधार व्रत मत करना। जिस व्रत को आज तक किसी ने नहीं किया उस व्रत को मत करना। वो कथा पढ़ते ही उसके पहले क्या किया, अब उसका जीवन चरित पढ़ो कि ये व्रत करने वाले को क्या मिला। व्रत पढ़ करके व्रत लेने का भाव नहीं आता, कथा पढ़ करके व्रत लेने का भाव आ जाता है। आप देखना, अपने मन को देखना, वैसे व्रत लेने का भाव नहीं आता, लेकिन जैसे ही कथा पढ़ते हैं, कई लोग आते हैं महाराज जी हमें व्रत दीजिए, कोई व्रत दो महाराज जी, इसकी कथा क्या है? कथा क्या है? इसका पूर्वज में क्या किया? सिद्ध चक मंडल विधान पहले भी था, लेकिन जब से मैना सुंदर की कथा जुड़ी, सिद्ध चक्र की महिमा अनंत गुणी बन गई। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण चाहिए जनता को कि आप मुझे उपदेश दे रहे हो, बात यही है। क्यों हमारे लिए कहना पड़ता है कि तुम्हें जो उपदेश दे रहा हूं तुम्हें नहीं दे रहा हूं, इसके पहले तीर्थंकर हो गए। सीधा कह देते कि तुम मुनि बनो, संसार छोड़ दो, कोई नहीं मानने वाला। उदाहरण देना पड़ा कि तीर्थंकर लोग भी इस सारे वैभव को छोड़ करके चले गए। 12 साल तक बारिशन नहीं समझा पाए, 12 साल तक नहीं समझा पाए। अंत में उन्हें समझाना पड़ा कि जिसे तुम्हें छोड़ने की मैं कह रहा हूं उसके पहले मैं छोड़ चुका हूं। ये सारा उपदेश 12 साल तक बारिश ने दिया था कि नहीं, लेकिन उसको समझ में। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, जो तू छोड़ रहा है उसके पहले देख मैंने छोड़ा है, और तू तेरे से थोड़ा छोड़ रहा हूं मैंने इतना छोड़ा है। बारिशन समझ गया, 2 मिनट में समझ गया, उसको बात समझ में आ गई कि ये गुरु जी मेरे मुझे ही नहीं फांसी पर लटका रहे हैं, पहले स्वयं लटक चुके हैं, मेरे ही त्याग नहीं करा रहे, खुद त्याग चुके हैं, और मेरे जद मेरा त्याग तो कुछ भी नहीं, इनका त्याग तो बहुत बड़ा है। समझ गया वो तुरंत, 2 मिनट में समझ गया, जाते ही समझ गया। यदि किसी को समझाना है, ये तो समझने वाले की तरफ से बोल रहा हूं, अब बोल रहा हूं तुम्हें, किसी को कुछ समझाना है तो सिर से पहाड़ मत फोड़ो, वो नहीं समझेगा, कुछ तुम वो करके दिखा दो, वो समझ जाएगा, नहीं तो तुम्हारी हंसी उड़ाएगा कि मुझसे छोड़ने का कह रहे हैं और स्वयं नहीं छोड़े। वो आती ना एक कहानी कि एक माँ ने कहा बेटे से, बेटा महाराज जी इसका एक गुड़ खाता है बहुत, गुड़, इसका गुड़ त्याग कराओ। महाराज ने कहा नहीं, 1 हफ्ते बाद आना, 1 हफ्ते बाद आना। क्यों भाई? आना 1 हफ्ता, 1 हफ्ते बाद बेटा आप गुड़ छोड़ दो। महाराज कहता है 1 हफ्ते पहले ही छुड़ा देते। बोले नहीं छोड़, क्यों नहीं छुड़ाया? महाराज जी आज 1 हफ्ते आपने क्यों लिया? बोले पहले मैं खुद गुड़ खाता था, अब मैंने छोड़ दिया है,
इसलिए हम कहने की हिम्मत है। उज्ज्वल वीर सेन स्वामी महाराज ने धवला जी के अंदर कहा, ग्रस्त को रत्नत्रय का उपदेश देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो रत्नत्रय की हंसी उड़ाएगा, रत्नत्रय की हंसी उड़ाएगा, मजाक करेगा। पंडित जी तो रत्नत्रय नहीं, हमें रत्नत्रय देना चाहते, ये तो घर छोड़ा नहीं, मुझे छुड़ाना चाहते, धर्म की हंसी होगी। इसलिए रत्नत्रय का उपदेश उसी को देने का अधिकार है जो पहले रत्नत्रय अंगीकार कर चुका है। ये तो देने वाले की, अपना चल रहा है प्रसंग, लेने वाले की। तो कोई भी कार्य करने के पहले धर्म ध्यान के संबंध में आपका बॉस कौन है, एक व्रत भी आपने किया है, प्रेरणा बताओ क्या है, आपने कोई पाप छोड़ा है, प्रेरणा सूत्र बताओ क्या है, तुमने कोई धर्म लिया है, प्रेरणा सूत्र बताओ, प्रेरणा सूत्र क्या है। हर व्यक्ति को अपने कार्य करने के पहले प्रेरणा सूत्र का नाम याद रखना है, आगे जाने वाले को पहचानना है। इसलिए समंत भद्र महाराज ने ग्रस्त से कहा, कहां जाना चाहते हो? मोक्ष। कहां जाना चाहते हो? बोले मुनि बनना चाहते हो। सब कुछ कह दिया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं द्रव समझना चाहता हूँ, सृष्टि को जानना चाहता हूँ, छह द्रव सात तत्व जानना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। प्रश्न यही था, देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निर्मरणम संसार तत्वता, हाँ दुखता सत्वान धरति उत्तमे सुखे। ये जानना था मुझे, दुख से निकारो उत्तम सुख मिलाओ। कहाँ जाना चाहते? उत्तम सुख में जाना चाहते। क्या मिटना चाहते? दुख मिटना चाहते। समंत भद्र महाराज ने कहा ये बावला है, भटक जाएगा, कुछ नहीं पा पाएगा। उन्होंने कहा तुम्हें भगवान मैं कैसे दुख से निपटा पाऊँ, मैं कैसे दुख से छूटूँ और कैसे सुख को प्राप्त करूँ। तो समंत भद्र महाराज ने एक ही जवाब मांगा, एक ही जवाब दिया, क्या इसके पहले किसी ने ऐसा भाव किया है? क्या पहले कोई मोक्ष गया है? क्या कोई ने पहले दुखों से छुटकारा पाया है? क्या कोई कोई छुटकारा पाया है क्या, ये तुम्हें मालूम? बोले नहीं मालूम। गुरु इसलिए नहीं होते हैं कि मैंने पहले ही कहा था वो महान है, नहीं, गुरु इसलिए होते हैं कि हमें बहुत सारे अनुभव का भंडार दे देते हैं, जिसमें हमारा समय बर्बाद होना था वो समय गुरु ने करके हमें बनी बनाई पकी पकाई दे दी, जिसमें हमारा समय बर्बाद होना था और हम कर भी नहीं पाते। उन्होंने कहा पहले कोई मोक्ष गया है क्या? बोले साहब मालूम नहीं। पहले कोई मुनि बना है क्या? मालूम नहीं साहब। संसार के दुखों से कोई छूट पाया है क्या? मालूम नहीं साहब। क्या अनंत सुख किसी को मिला है? बोले मालूम नहीं साहब। बस समंत भद्र महाराज ने कहा अब मोक्ष नहीं समझना, पहले छह द्रव सात तत्व नहीं समझना, पहले अनंत सुख को नहीं समझना, पहले पहले उसको समझो जो तुमसे पहले गया है। गजब की बात, समंत भद्र महाराज का क्या गजब। सम्यक दर्शन का अधिकार कह रहे हैं और गुरु की परिभाषा बना रहे, भगवान की परिभाषा, और सम्यक दर्शन की बात करना है, प्रतिज्ञा कर रहे हैं मैं सम्यक दर्शन की बात करूंगा, सम्यक दर्शन अधिकार है, और बता रहे हैं प्रतिज्ञा की कि मैं धरती उत्तमे सुखे उत्तम सुख में रखूंगा। और कहते तुम भगवान को पहचानो क्या है, प्रारंभ भी इसी से किया प्रारंभ जी, तुम भगवान बनना चाहते हो, पहले कोई भगवान बना है उसको पहचान लो, बस जो गुरु बने हैं उनको पहचान लो, जो इस रास्ते पर चले हैं उनके पद चिन्हों को देख लो, उनके अनुभव ले लो, उनको गुरु बना लो, उनसे पूछो तुम कैसे हो गए, कैसे छोड़ दिया तुमने ये संसार, कैसे छूट गया, हमारी शरण से पूछता है पुछताल, कैसे छोड़ गया ये 32 रानियां, कैसे छोड़ गया माता को, कैसे छोड़ गया राजगद्दी को, राज सिंहासन को, कैसे छोड़ा ये बताओ, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो देव साथ गुरु के पीछे गाड़ी डाल दी,
बोले इनको पहचान ले तुझे तत्व मिल जाएगा, और तत्व कोई कहे नहीं, पूरे रत्न संस्कार में तत्व नहीं कहे, तत्व को जानने वाले को बता दिया बस, तत्व की चर्चा ही नहीं, कोई चर्चा तत्व की नहीं, जो तत्व का ज्ञाता है बस उसकी पहचान बता दी, उसको पहचान। आज हमारे भटकने का मूल कारण है कि हम उन रास्तों पर चल रहे हैं जिस पर कोई चला ही नहीं, हम उन रास्तों पर चल रहे हैं जिसमें चलने के बाद लोग जेल में गए हैं, हम उस रास्तों पर चल रहे हैं जिसमें चलने के बाद नाली में पड़े हैं, उन रास्तों पर हम चल रहे हैं जिन पर चलने के बाद लोग नरकों में पड़े हैं। इसलिए महानुभाव, हर अमीर से मेरी बात कहना है, हर अमीर से मेरा कहना है, तुम्हें रामचंद्र जी का चरित्र नहीं पढ़ना, तुम्हें रावण का चरित्र जरूर पढ़ना है। राम के चरित्र का कोई जरूरत नहीं पढ़ने की तुम्हें, राम का चरित्र वो पढ़े जो मोक्ष जाना चाहते, राम का चरित्र वो पढ़े जो महाराज बनना चाहते, राम का चरित्र वो पढ़े जो परमार्थ को सिद्ध करना चाहते, लेकिन जो संसार को दुख से बचना चाहते हैं, संसार की दुर्गति से बचना चाहते हैं, तो रावण का चरित्र पढ़े। रावण का चरित्र हमें दुख से बचाता है, राम का चरित्र मुझे सुख में पहुंचाता है, पापियों के चरित्र हमें दुख से बचाते हैं, पाप से बचाते हैं, और धर्मात्माओं के चरित्र हमें धर्म करने की प्रेरणा देते हैं। दो पहलू अपन ने बना लिए, पाप से बचना है, बुराइयों से बचना है, तो पापियों का चरित्र जरूर पढ़ना, जितना जितना बुराई से बचना है तो शूकर पुराण जरूर पढ़ना। महाराज के पुराण पढ़ने से तुम रात्रि भोजन नहीं छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे, तुम्हें उसको देखना है कि ये पाप जिसने किया था उसकी दशा क्या हुई। इसलिए प्रथमान योग में जितनी कथाएं भरी हैं, पापियों की कथाएं ज्यादा हैं, पुण्यात्माओं की कथाएं ज्यादा, पाप की चर्चा ज्यादा है, राम की चर्चा कम है, रावण की चर्चा ज्यादा है, रावण की चर्चा ज्यादा बहुत है। पूरी पिक्चर में धमाल चौकड़ी किसकी होती, खलनायक की के हीरो की, नायक की, तू तो किसकी बोलती है, पूरी पिक्चर उठा के देख लेना, पूरी पिक्चर में खलनायक की तू बोलती है, खलनायक अमर होता है, खलनायक के ठाट बाट होते हैं, हीरो की दुर्दशा होती है। यदि अंत की 5 मिनट की पिक्चर देख ले, ना देखे कोई, तो कोई व्यक्ति हीरो नहीं बनना चाहेगा, कोई व्यक्ति हीरो नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि हीरो की जिंदगी में है क्या, दुख परेशानियां सब यही मिलेंगे, और पापियों का सुख देखो क्या है, पूरी पिक्चर आप हर पिक्चर को उठा के देखो, लेकिन वो अंत के जो 5 मिनट होते हैं वो 5 सफलट देते हैं। जब पापी का अंत होता है बहुत बुरा होता है, बहुत बहुत बुरा। ठाकुर की पहली जिंदगी देखने के बाद कोई ऑफिसर नहीं बनेगा, कोई डाकुओं को नहीं पकड़ेगा, क्योंकि डाकुओं को पकड़ने वाले के दोनों हाथ चले गए। बोले कि हाथ गमाना है क्या, लेकिन अंत की मौत देखना, जब गब्बर सिंह को लातों से मारता है तब बनता है, जिंदगी गमा करके भी ठाकुर बनूं तो ठाकुर बनूंगा। हर चीज में आप देखना, पूरी कथा सुनो और 5 मिनट होते, साधुओं की जिंदगी देख करके लोग साधुता छोड़ देते। एक सज्जन थे, नाम बिना बता देता हूं, तो हमेशा कहा करते थे कि महाराज मेरा भी मन होता है कि मैं मुनि बन के मरूं, मुनि बनूं और बनना है मैं, और मेरा बनूंगा मैं, मरने के पहले मुनि बनूं। एक दिन मैं बिहार कर रहा था, मेरे पैरों में छाले थे, ब्लड भी आ रहा था, छिल गया था, एक पेड़ के नीचे बैठे थे, वो सज्जन आ गए, उन्होंने पैर पकड़े, मैंने पैर खींच लिया, मैंने पैर देखते, मुराद जी ये छाले ये फपोले गर्मी में अभी भी आप चलोगे,
मैंने कहा हाँ अभी तो 60% और चल रहा है। उन्होंने कान पकड़ के, जैसे कान पकड़े मेरे, बोले महाराज मैंने जो बार बार आपसे कहते था अब जिंदगी में कम्युनी नहीं बनूंगा, ये हालत के बाद भी चल रहा है, काय का सुख है, काय का आनंद है। मैंने तुरंत आग बोली, मैंने कि प्रभु मामला उल्टा है, पंचम काल में पहले के लोग साधु की साधना देखकर साधु बनते थे, आज साधु की साधना देखकर लोग साधु बने थे। और आप देखना मंदिरों में आज तक किसी अच्छे व्यक्ति की सुखपूर्वक मोक्ष जाने वाले की फोटो नहीं बनाई जाती, सब उनके चित्र बनाए जाते, इनको सेलनी ने खाया हो, घानी में पीला हो, आग में जलाया हो, उनके चित्र बनते। क्या है ये सिगड़ी, उनके चित्र बनते सब मंदिरों में, एक भी अच्छे भरत का, भरत भगवान का कहीं नहीं बनता, एक क्षण में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। सुखपूर्वक जिन्होंने किया उनके चित्र नहीं बनते, जिन्होंने महान दुख उठाया उनके चित्र बनते हैं। इनके दुखों को देख करके भी तुम्हारी इच्छा हो इसके बाद भी सुख का रास्ता दिख जाए तो तुम इस मार्ग पर आना। सुखी आदमी को देख करके कौन नहीं धारण कर लेता है, ये दुख देखो ये बनेंगे सारे दुख। आज का जमाना बिल्कुल उल्टा है, दुख का पहाड़ टूटेगा। और इनको देखने के बाद भी तुम्हारे मन में आए हाँ इससे भी अधिक मैं सहन करने को तैयार हूं, जब अंदर से आवाज आ जाए ये दुख क्या है, कुछ भी नहीं है, हमें तो वो सुख नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति को लेकर के जो अपने अभी दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, तो इस प्रश्नों में अपन को कोई ना कोई से संबंध बनाना है। संबंध की बात चल रही थी, यदि तुम एकाकी नहीं हो पाए तो बनाओ। पूज्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण में कहा, हे प्रभु, हे गणधर परमेष्ठी, राजा श्रेणिक के माध्यम से आपका हमारा क्या संबंध है। अकारण संबंध शुरू किया उन्होंने, कारण संबंध नहीं, अकारण संबंध, जो तीन दिन से मैं चर्चा कर रहा हूं, अकारण संबंध बनाओ, अकारण संबंध। आप बिन कारण कारण जहाज, बिना कारण के आप मेरे जहाज हैं। नाविक तो इसलिए हमें पार उतारता है कि उसको आजीविका चाहिए, आपको क्या चाहिए। अकारण संबंध, आप मेरे कौन हैं और हमारी चिंता कर रहे हैं, अकारण उपकारी, अकारण कर, अकारण संबंध उन्होंने बहुत बढ़ा दिया। आप मेरे अकारण संबंधी हैं, मेरा कोई संबंध नहीं है। जितने संसार में संबंध हैं सब कारण हैं, इन्होंने जन्म दिया इसलिए माता पिता है, इन्होंने मेरा भाई है तो मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी, सब संबंध कारण है। लेकिन आपका संबंध अकारण संबंध, एक नया शब्द पूज्यवर ने दिया जिनसे, अकारण संबंध को कहा। और अकारण संबंध एक तरफ से होता है, दोनों तरफ से नहीं होता। अकारण संबंध दोनों तरफ से नहीं होता, एक तरफ से होता है। संबंध दो में होता है, संबंध दो में होता है, लेकिन जैन दर्शन कहता है संबंध एक तरफ से होगा, होगा दो में। वो आती है ना बीरबल के बादशाह की, एक मुर्गे को लड़ाओ, एक बादशाह बीरबल की कहानी में आता है, अभय कुमार में, अपने जैन आगम में भी है। हाँ, एक मुर्गे को लड़ाओ, लड़ाई तो दो में होगी ना। राजा सेने के सामने बात आ गई, अभय कुमार ने एक मुर्गे को लड़ाओ, सब हार गए, भाई साहब लड़ने के दो चाहिए, कुछ नहीं, एक दर्पण रख दिया, एक दर्पण रख दिया, मुर्गा दर्पण में लड़ लड़ करके स्वयं की टूट गई, मर गिर गया, बोले दर्पण का मुर्गा जीत गया, दर्पण का मुर्गा जीत गया, एक को लड़ा। तुम भी बस अकेले संबंध बनाओ, तुमसे कोई संबंध नहीं बनाएगा, तुम्हें संबंध बनाना है। सामने वाला जब संबंध बनावे तुम दूर हट जाना, क्योंकि तुमसे कोई संबंध बना रहा है वही संसार है। तुमसे कोई संबंध बना रहा है बंधना, बंध मत जाना। तुमसे कोई संबंध बना रहा है संबंध बंद बना लेना,
शिष्य गुरु प्रपंच, शिष्य गुरु से संबंध बनाना चाहता है, गुरु से कहा सावधान संबंध मत बनने देना, सामने वाला जब भी संबंध बनाएगा तुमसे तुम बंधन में प्राप्त हो जाएगा, यही संसार है और तुम्हें दुनिया से संबंध बनाना है। बात समझना, तुमसे कोई संबंध नहीं बनाएगा लेकिन तुम्हें संबंध बनाना है, तुम्हें कोई मित्र नहीं बनाएगा, तुम्हें दुनिया को मित्र बनाना है। आज प्रातःकाल चर्चा कर रहे थे ना, सत्येषु मैत्र कभी सत्य, सत्येषु मैत्री शब्द कभी आज तक सफल हुआ है? आज तक कभी सफल हुआ है जिसके संसार में कोई दुश्मन ना हो? कोई नहीं, कोई तीर्थंकर नहीं, कोई महावीर नहीं, आज तक कोई नहीं हुआ जिसके संसार में कोई दुश्मन ना हो। शास्त्र पढ़ा के देखो, पर ये सत्येषु मैत्री शब्द क्यों कहा जब जो काम होना ही नहीं है, आज तक हुआ नहीं, आगे होगा नहीं। सारा संसार कभी किसी का मित्र नहीं हो सकता, कहा तो है। तो जिनवाणी कहती, पूज्यवर अमित कर अमित सूरी आचार्य महाराज कहते, दुनिया से संबंध बनाने की नहीं कह रहा हूं, दुनिया तुम्हें मित्र बना ले ये नहीं कह रहा हूं, तुम्हें दुनिया को मित्र बनाना है। दुनिया तो तुम्हारी दुश्मन रहेगी, वो तो तुम्हें दुश्मन मानेगी लेकिन तुम मित्र मानोगे। दृष्टि में सत्येषु मैत्री क्रिया में नहीं है, दृष्टि में। जैसे कल हमने मध्यान्ह में एक प्रश्न आया था ना, महासत्ता नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है, महासत्ता नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है, दृष्टि में है। छह द्रव्य अपने अपनी स्वतंत्र सत्ता है, महासत्ता मात्र एक दृष्टि में महासत्ता बनाना है, दृष्टि में बनाना है। आत्मा शुद्ध नहीं है, उपयोग में शुद्ध बनाना है, उसका नाम शुद्ध उपयोग है। चमत्कार किसमें है? आत्मा कैसी है? अशुद्ध है। आत्मा कैसी है? अशुद्ध है। अनुभव कैसा आ रहा है? शुद्ध का। यह चमत्कार शुद्ध उपयोग। आत्मा अशुद्ध है, शुद्ध आत्मा होकर के शुद्ध का अनुभव लेना वो शुद्ध उपयोग नहीं है। अशुद्ध आत्मा है और शुद्ध उपयोग का अनुभूति हो जाए। सो रहा है घर में, आनंद ले रहा है संवेद शिखर का, बस वही स्वप्न साकार करना है। सो कहाँ रहा है? घर में। और आनंद कहाँ का ले रहा है? संवेद शिखर के आनंद। क्या कला है? अशुद्ध है मनुष्य लेकिन भैंसे की अनुभूति कर रहा है। भैंसा भैंसे की अनुभूति करे तो उज्ज्वल अमृतचंद सूर्य ने चित चमत्कार शब्द का प्रयोग किया। मन गया इसमें काय का चमत्कार है? बोले यही तो चमत्कार है। सिद्धों को चित चमत्कार ही नहीं कहा, सिद्धों को चमत्कार ही नहीं कहा, क्योंकि भैंसा से कहा है तू भैंसा है, वो तो कहते हूं ही। अब उसमें अब वो कहता है देखो गुरु जी आपने मुझे भैंसा कहा था, मैं भैंसा हूं, मुझे अनुभव में आ रहा है। लेकिन किसको भैंसा कह दिया? मनुष्य को। श्रद्धा चमत्कार, जिंदगी भर में अनुभव आया मनुष्य, सारी समाज कह रही मनुष्य हूं लेकिन गुरु कह रहा भैंसा हूं, अनुभूति किसकी होने लगी? तो क्या वो भैंसा है? इसको बोलते चमत्कार, इसको बोलते चमत्कार। भैंसा नहीं है लेकिन गुरु ने कहा है, इसको बोलते गुरु की भक्ति, गुरु की श्रद्धा। है कोई माई का लाल ऐसा? मैंने कल कहा था मां दो ही व्यक्ति अभी तक शास्त्रों में देखने में आए, वो सुदंत भूतबली और अंजन छोर, जिसने अपना सुदंत भूतबली ने कहा नहीं हम नहीं पढ़ेंगे इस मंत्र को, गुरु ने दिया है, गुरु गलत हो नहीं सकता। है क्या ऐसी सकती है? क्या कभी कोई गुरु को भैंसा कह दूं, चेले को भैंसा कह दूं, स्वीकार कर लोगे? ऊपर से नहीं, ऊपर से तो कर लूंगा नहीं तो महाराज अभी आप डांटोगे। अनुभूति अंदर आत्मा की पर्याय बन जाए, भैंसा है नहीं और हो जाए उस महानुभाव उज्ज्वल अमृतचंद सूर्य ने शुद्ध उपयोग की दशा कही,
शुद्ध है नहीं, द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय शुद्ध और आनंद शुद्ध का है। द्रव्य भी कैसा है, अभी घातिया कर्म भी नाश नहीं हुए, क्योंकि शुद्ध उपयोग का अध्वान कौन सा है, बारहवां गुण स्थान, तेरहवां चौदहवें में शुद्ध उपयोग नहीं है, केवल ज्ञान सिद्धों में शुद्ध उपयोग नहीं है, कहीं नहीं, उन्होंने बारहवां गुण स्थान अंतिम ले लिया, ग्यारहवां बारहवां गुण स्थान मुख्य रूप से। और वहां बता दो भैया कौन सी आत्मा शुद्ध है, आठों कर्म विद्वान है कि नहीं, चलो एक मोहिनी को कम कर दो और क्या करोगे, घातिया कर्म तो है ही, कर्म बैठे हैं, गुण कैसे हैं, छदमस्त है कि नहीं है, है। पर्याय कैसी है, अशुद्ध, तीनों अशुद्ध, द्रव्य अशुद्ध, गुण अशुद्ध, पर्याय अशुद्ध, सब कुछ अशुद्ध। और आनंद किसका, शुद्ध का, बस इसी समय अमृतचर, इसी का नाम चमत्कार है, खा रहा है नमक आनंद आ रहा है शक्कर का, पड़ा कीचड़ में है अनुभूति कर रहा है सोने की, पैर कीचड़ में है और सुगंधी बिखेर रहा है पंकज, पैर कीचड़ में है, जन्म कीचड़ में हुआ, सहारा कीचड़ से है और ऊपर सुगंधी बिखेर रहा है, शुद्ध उपयोग, बहुत बड़ा चमत्कार है शुद्ध उपयोग, सब कुछ अशुद्ध, सब कुछ अशुद्ध, लेकिन शुद्ध उपयोग की आनंद की क्या चर्चा की, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र के ना ही कहो, शुद्ध उपयोग की दशा है ये, सामान मुनियों की दशा नहीं की, प्रवचन करते समय की दशा नहीं है ये, आहार करते समय की दशा नहीं है ये, दशा है शुद्ध उपयोग की, उसी के बाद अभी शुद्ध उपयोग केवल ज्ञान प्राप्त कराने वाले छह डालाकार, अब उस समय जो अनुभूति है ये कैसे संभव है, अग्नि को शीतल अनुभव करना, अग्नि को हाथ में लेके कह रहा है कैसा लग रहा है, उन्हें शीतल है, चमत्कार है, चमत्कार है, अग्नि पर पैर रखा फौला नहीं पड़ा, चमत्कार हो गया, शुद्ध हुआ नहीं और शुद्ध की अनुभूति कर ली, शुद्ध उपयोग हो गया, किसके बल पर कर ली, स्वयं के बल पर के आगे वाले के बल पर, आगे वाले ने जैसा बताया, भैंसे की अनुभूति स्वयं के बल पर हुई के गुरु के बल पर, गुरु के विश्वास के बल पर हुई, अपने बल पर तो हम मनुष्य थे, अपने बल पर तो हम अशुद्ध थे संसारी थे, लेकिन गुरु ने जो आत्मा का स्वरूप बताया हमने ज्ञान में ला दिया, वो भैंसा ना तो पैरों से बना ना हाथों से बना, बिल्कुल नहीं बना, किस में भैंसा बन गया, ज्ञान में, दृष्टि में, शरीर में भैंसा नहीं बना, किस में शुद्ध उपयोगी बन गया, ज्ञान में, शरीर अशुद्ध, सब कुछ अशुद्ध है, ओ कैसी ज्ञान की दशा, कैसी ज्ञान की दशा, ज्ञान को कैसे चमत्कारी बना दिया, ज्ञान का चमत्कार देखो कितना है, ज्ञान ने बना दिया कि मैं शुद्ध का आनवर, अतिंद्रिय आनंद कह दिया उसको, इंद्रिया तीत आनंद कह दिया उसको, अनिंद्रिय आनंद, शुद्ध उपयोग अनिंद्रिय आनंद, और इंद्रिया हैं, मन है, वचन है, छदमस्त है, इसलिए पूज्यवर कहते हैं तू ज्ञान से एक बार चमत्कार करके दिखा दे, साक्षात सिद्ध बनना कोई चमत्कार की बात नहीं है, शुद्ध उपयोग चमत्कार है, शुद्ध उपयोग चमत्कार है, और ये जब ही संभव है, एक तरफ से संबंध बना के देख, एक तरफ का संबंध सामने वाले, कई लोग कहते महाराज जी आप कहते क्षमा मांगो, वो क्षमा करने को तैयार नहीं है, तो यही तो विशेषता है, तुमने क्षमा मांगी उसने क्षमा मांग ली मजा नहीं आया, तुमने क्षमा मांगी उसने क्षमा मांग ली मजा नहीं आया, मजा तो जब है तुमने क्षमा मांगी उसने बारह मन की सिला पटक दी, तुमने क्षमा मांगी उसने तुम्हारा नाश कर दिया, उसका क्रोध और पकड़ गया, पारसनाथ
कि क्षमा अमर हो गई। यदि कमठ भी क्षमा मांग लेता तो दोनों रोते रोते घर पहुंच जाते, आओ भैया हमने गलती, भाई तुमसे गलती हुई, दोनों रो लो महिलाओं जैसे बैठ के रो लो, पजोखो कर लो पजोखो, हाँ दोनों बैठ के रो लो, भैया गलती हो गई, हमसे भी गलती हो गई, चलो हो गई। नहीं, चमत्कार नहीं हुआ ये। चमत्कार जब है, सामने वाला क्षमा नहीं करेगा फिर भी हम क्षमा मांगने चले गए। जानता था बरबाई भूति मेरा भाई क्रोधी है, वो क्षमा नहीं करेगा, लेकिन मैं क्षमा मांगने जाऊंगा। जानते थे वो, सब जानते थे, ऐसे नहीं कि नहीं जानते हो, लेकिन मैं क्षमा मांगूंगा। क्या कभी ऐसी दशा जागी अपन लोगों की? अपन कहते मैं क्या करूं, मैं तो तीन बार होके आ गया, वो क्षमा ही करने जा रहे, रहने दे, मैं कोई कमजोर हूं क्या? क्या समझ रखा उसने, कायर है महाराज जी। हाँ कई लोग कहते महाराज जी वो हमें समझता क्या है, दो बार हो गया, तीन बार मांग ली क्षमा, वो तो और रचा था, वो समझता क्या मैं भी निपटा दूंगा। हाँ बैठ जा भाई साहब, नहीं क्षमा मांगते जाओ, तुम्हें कोई मित्र नहीं बनाएगा, तुम मित्र बनाते जाओ। तुम बिच्छू नहीं हो, तुम साधु हो, तुम बिच्छू नहीं हो। वो यदि मित्र बन गया तो फिर काहे की सब मजा आया। चमत्कार तो जब है जब तुम संबंध बनाओ, कोई तुमसे संबंध नहीं बनाए, तुम हर व्यक्ति को मित्र की दृष्टि से देखो और वो तुम्हें दुश्मन की दृष्टि से देखेगा। लेकिन तुम्हारी दृष्टि में क्या आना है, उपादान दृष्टि, एक तरफ का उपादान, संबंधों में उपादान। महाराज संबंध तो दो में होता है, यही तो गड़बड़ है। जैन दर्शन कहता है उपादान में संबंध है, उपादान अकेला संबंध बनाएगा, निमित्त नहीं बनाएगा। सत्वेषु मैत्री ये निमित्त परक वाक्य नहीं है, मैंने जो चिंतन किया ये उपादान परक वाक्य। निमित्त परक तो वाक जब बने, जब सारा संसार तुम्हें मित्र मानने लग जाए तो कहूँ भैया निमित्त निमित्त एक संबंध हो गया, उसने मांग ली उसने मांग ली, दोनों में मैत्री हो गई। नहीं, उपादान का संबंध अकेला, निमित्त गायब है, उपादान मौजूद है, अकेला उपादान मौजूद है। तुम्हें घोषणा करना है मैं संसार को मित्र मानता हूं, और संसार ने घोषणा कर दी मैं तुझे फूटी आंख से भी नहीं सुहाऊंगा, मानता हूं। बोलो निमित्त विपरीत है कि अनुकूल? विपरीत है। और उपादान एक पक्षी के दो पक्षी, इसको बोलते सत्वेषु मैत्री। पहले जब मैंने शुरू शुरू में जब ज़्यादा नहीं जानता था, मैंने कि ये निमित्त बुद्धि सबसे मैत्री कर, सबके हाथ पैर जोड़ते रहो, अब कोई नहीं मानेगा तो क्या करेंगे, हमारे मुनिपद खत्म। उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि कौन है जो सारे संसार से मैत्री रखता हो, सामायिक किसकी अच्छी हुई जो संसार से मैत्री रखता हो, धर्मात्मा कौन जो सबसे मैत्री रखता हो, पराधीन हो गया कि नहीं? पराधीन कर दिया तुमने तो। अरे सामने वाला कह देगा नहीं तो हमारा फिर तो गया मुनि व्रत। सामने कह रहा मैं मैत्री नहीं करता, मैं महाराज तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा और ना क्षमा मांगूंगा, तो अब मैं क्या करूं, मुनि व्रत गायब हो जाएगा, अब उसको रिश्वत दूं? हे मेरे बाप तू हाथ एक बार मांग ले जिससे मेरा मुनि व्रत बच जाए, मनु पूरी जिंदगी निकल जाएगी। आचार्य कहते हैं शब्द निमित्त परक है, क्रिया उपादान परक है। शब्द निमित्त परक है और क्रिया उपादान परक है। बस सम्यक दृष्टि को लोग कहते हैं सब क्रियाएं, भगवान की पूजा निमित्त परक है ही नहीं, उपादान परक है। क्यों? भगवान मुझे भक्त मानते ही नहीं, मैं उनको भगवान मानता हूं। निमित्त निमित्त एक संबंध कब होता है, जब दोनों, मुझे तो कोई भी क्रिया जैन दर्शन की निमित्त परक लगती नहीं, शब्द लगते हैं बस, शब्द निमित्त परक है। मेरा संबंध भगवान से है ही नहीं, भगवान से पूछ लो कि वो आपको संबंध बनाए हुए आपका है, बोले मैं तो इसको कुछ मानते ही नहीं। भगवान और भक्त का संबंध एक पक्षी है कि दो पक्षी, जैन दर्शन का बोलो।
एक पक्षी अपने संबंध में भगवान को खबर ही नहीं है, पता ही नहीं है। कौन कहता है कि निमित्त क्रिया है, भगवान से संबंध उपादान क्रिया है, लेकिन क्रिया संबंध आएगी। एक में संबंध बनाना है, एक तरफ का संबंध बनाता है। कौन कहता है गुरु, गुरु कहते हैं मैं तो शिष्य शिष्य को मानते ही नहीं हूं। शिष्य कहता है मेरा संबंध है तुमसे। जिस दिन तुम सारे संसार में एक पक्षी संबंध बनाने लग जाओगे, उसी दिन जैन दर्शन तुम्हारी आत्मा की पर्याय बन जाएगी। तुम्हारी दृष्टि में निमित्त आ रहा है कि भगवान की पूजा करना ये नैमित्त क्रिया है। अरे भगवान से तो पूछो कि हमें मानते हैं कि नहीं मानते, उन्होंने संबंध ही नहीं बनाया मेरे से, और मैं ऐसे उनको चिपका हूं, ऐसे चिपका हूं कि छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। और भगवान निर्लेप है संसारी संबंध में और परमार्थी संबंध, सम्यक दृष्टि का संबंध और मिथ्या दृष्टि, दो कागज जुड़ते हैं तब संबंध होता है। सम्यक दृष्टि कहता है एक में संबंध, एक मुर्गा लड़ेगा, एक संबंध बनाऊंगा। मैं घोषणा करता हूं कि सारा जगत को मैं मित्र मानता हूं और मैं मित्रवत व्यवहार करूंगा। दो डंक मारेगा, मारने दो, मैं मित्र न, उसने मुझे मित्र नहीं बनाया। वही वाली बात, समय हो रहा है, दो मिनट, एक मिनट। वो सांप बिच्छू को पकड़ता है, वो काटता है, बोले ये काट रहा है आपको, बोले उसने थोड़ी मुझे मित्र बनाया है, मित्र तो मैंने बनाया है। उसने मुझे मित्र नहीं बनाया जो मुझे नहीं काटे, मैंने इसको मित्र बनाया है, और मित्र का काम है बचाना, सो मैं बचा रहा हूं। यदि ऐसी दृष्टि सारी जगत की बन जाए तो फिर अपन, समय आपका हो रहा है, अभी अपना वो प्रसंग चल रहा है, उस प्रसंग में चल रहे हैं हम। देवता बनने के पहले तुम्हें संसार में देवता बनना है, भावी पर्याय को वर्तमान पर्याय में लाना है। शुद्ध तुम हो नहीं, और शुद्ध की अनुभूति करके दिखाना, प्रसंग यहां से चल रहा था। शुद्ध होने के बाद नहीं, शुद्ध होने के पहले शुद्ध बनना है, भगवान बनने के पहले भगवान पुजना है, देवता बनने के पहले देवता बनना है, मरने के बाद तो स्वर्ग दुनिया को मिलता है, जीते जी दुनिया को स्वर्ग बनाना है। महावीर भगवान की जय। जावाणी की ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरे सदा देत हो ढोक, हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रेन।